महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में हुए रैगिंग कांड का खुलासा करने के लिए पुलिस को खूब मशक्कत करनी पड़ी। जिन छात्रों ने रैगिंग के आरोप लगाए थे वे बयानों से मुकर गए। इस कांड की तह तक पहुंचने के लिए महिला आरक्षक छात्रा बनकर कैंटीन और हॉस्टल में बैठी रही, जहां रैगिंग में झूठे किस्से सुनाए और रैगिंग लेने वाले सीनियर छात्रों के सबूत जुटाए। पुलिस ने इस मामले में 11 सीनियर छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। संयोगितागंज टीआई तहजीब काजी के मुताबिक जूनियर छात्रों ने सीधे यूजीसी को शिकायत भेजी थी। यूजीसी ने एफआईआर करवा दी। एफआईआर होते ही सीनियर छात्रों ने उस जूनियर से समझौता कर लिया जिनके द्वारा शिकायत भेजी गई थी। पीड़ितों ने तो कथन से भी इनकार कर दिया, बल्कि कुछ ने यह भी कहा कि रैगिंग हुई लेकिन रैगिंग लेने वालों का हुलिया और नाम नहीं जानते हैं। पुलिस इस केस में खात्मा करने वाली थी कि पुरानी पद्धति से आरोपितों को ढूंढने की कोशिश की। महिला आरक्षक शालिनी चौहान को एमजीएस मेडिकल कॉलेज कैंटीन और कैफे भेजा गया। कदकाटी से छात्रा नजर आने वाली सालिनी सादे कपड़ों में स्कूल बैग लेकर जाती थी। कैंटीन में उसने छात्राओं से दोस्ती की और बातों ही बातों में रैगिंग का जिक्र निकाला। कुछ मुलाकातों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कॉलेज और हॉस्टल में रैगिंग तो हुई है। सबूत मिलते ही पकड़ लिया। सालिनी के साथ आए प्रधान आरक्षक कालीचरण और रिंकू भदौरिया ने रैगिंग लेने वालों का पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही सीनियर छात्रों द्वारा रैगिंग लेने के तथ्य मिले, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। टीआई के मुताबिक हमने करीब 3 महीने से मशक्कत के बाद आरोपित प्रियम त्रिपाठी, राहुल पटेल, शुभांकर मिश्रा, चेतन वर्मा, शैलेश शर्मा, देवव्रत गुप्ता, ऋषिराज, उज्ज्वल पांडे, रोमन पाटीदार और प्रभास सिंह को गिरफ्तार किया। कथन के बहाने बुलाकर ही गिरफ्तारी आरोपी छात्र इंदौर के गीता भवन और लाला राम नगर स्थित फ्लैट पर बुलाकर रैगिंग लेते थे। उन्हें पुलिस की तरकीब का पता चला तो वकीलों के संपर्क में आए। कुछ ने तो लोकेशन और कॉल डिटेल का बहाना बनाया कि उनके खिलाफ साक्ष्य ही नहीं है। हालांकि पुलिस इससे पहले कुछ पीड़ितों के कथन ले चुकी थी। पुलिस ने कथन के बहाने बुलाया और नोटिस देकर जमानत पर छोड़ दिया। हमारे जो सीनियर सर लोग थे उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ लोगों के नाम चिन्हित करके मुझे बताए और फोटोज बताए कि इन लोगों पर निगरानी रखनी है। मैं मेडिकल स्टूडेंट बनकर वहाँ पर जाती थी, कैंटीन में बैठती थी, सिविल ड्रेस में जाती थी और वहाँ से कुछ लोगों से मैंने फ्रेंडशिप की और कुछ मतलब अब एकदम से तो कोई सब बताते नहीं थे, तो कुछ अपने बारे में भी मैंने जानकारी की, उनसे थोड़ा मैं खुली मिली और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे रैगिंग के बारे में भी मैंने अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की कि कुछ लोग ऐसे बोलते थे या कुछ स्टूडेंटों के नाम लेकर मैंने बात करना शुरू की, तो धीरे धीरे लोगों ने नाम निकालना शुरू किए और ऐसे धीरे धीरे करके पता पड़ा कि ये लोग रैगिंग सच में करते थे। उन लोगों का बिहेवियर भी देखती थी मैं कैंटीन में, वो लोग आते जाते थे, करते थे ये वो। फिर मैंने अपने सीनियर्स को आकर बताया। कितने लोगों को चिन्हित करा था आप लोगों ने वहाँ पर किस तरह से, क्योंकि अचानक से जाकर कोई छात्र दोस्ती की नहीं? हाँ, अचानक से नहीं, धीरे धीरे ही दोस्ती की। मैंने लड़कियों से भी बातचीत करनी शुरू की धीरे धीरे, कुछ अपने बारे में भी मैंने बताना शुरू किया इसीलिए, तो ताकि वो लोग मुझसे घुले मिले। क्या बताया उन्होंने, किस तरह से रैगिंग की जाती है जानकारी उन्होंने? शालिनी चौहान।